जनकपुर नगर पंचायत की मतगणना प्रक्रिया अपने अंतिम चरण पर। निर्दल प्रत्याशी मनशाराम ने बुढ़नपुर नगर पंचायत में पहली जीत दर्ज की। भाजपा समर्थित प्रत्याशी उर्मिला देवी को कुल प्राप्त मत 2559, वही सपा प्रत्याशी ललित कुमार डब्लू को 1472 मत प्राप्त हुए। बसपा प्रत्याशी बलवीर को 1263 मत प्राप्त हुए, वही निर्दल प्रत्याशी मनशाराम को 4159 प्राप्त हुए। कांग्रेस प्रत्याशी मंजूलता 90 मत प्राप्त हुए। निर्दल प्रत्याशी सांगीलाल को 1169 मत प्राप्त हुए। निर्दल प्रत्याशी रीता सोनकर 217 मत प्राप्त हुए। निर्दल प्रत्याशी रामधारी सोनकर 136 मत प्राप्त हुए। निर्दल प्रत्याशी सीता की कुल 49 मत प्राप्त हुए। निर्दल प्रत्याशी रामनारायण प्रसाद को 30 मत प्राप्त हुए। निर्दल प्रत्याशी रामचंद्र को कुल 8 मत प्राप्त हुए। शेष मतदान नोटा पर 10 मत, संपूर्ण मतदान 11162 हुआ। इस प्रकार से निर्दल प्रत्याशी मनशाराम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की उर्मिला देवी को 1600 मतों से पराजित किया। बुढ़नपुर नगर पंचायत से निर्दल प्रत्याशी मनशाराम ने जीत दर्ज की। निर्दल प्रत्याशी के समर्थकों में जोश देखने को मिला। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना प्रक्रिया सकुशल सम्पन्न हुई। जीते प्रत्याशी को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। कहाँ से आए हैं आप? अभी समय कहाँ स्टाल के आ रहे हैं? ये कोलसा बाजार से, मंदिर बाजार से आपको ज्यादा विश्वास है? हाँ हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको इस समय, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ जो आप घूमे हैं और इतना चुनाव मेहनत किए हैं, परिणाम अच्छा रहा? हाँ जी जी, बहुत अच्छा। बजरंग बली का आशीर्वाद। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता से क्या कहना चाहेंगे? बहुत आभारी हूँ जनता का। जनता का चलिए ठीक। मेरा नाम गुडलक सिंह है। मेरा नाम गुडलक सिंह है। मैं निर्दल प्रत्याशी मनशाराम का समर्थक हूँ। अच्छा ये बताइए, आप काफ़ी लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, करीब 2.5-3 साल से, और जो आज आपको जीत मिली, इस तरह की जीत आपके की पार्टी के समर्थक को जो जीत मिली है मनशाराम को, क्या आपको उम्मीद थी कि इतनी ही जीत मिलती, इतना ही मत मिलता, इससे ज़्यादा मिलता? मनशाराम पिछले 3-4 सालों से लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये जनता का प्यार है कि सत्तारूढ़ दल और सपा बसपा को पीछे छोड़ के एक निर्दल प्रत्याशी ने इतनी बड़ी भारी अंतर से जीत हासिल की है। ये अपने आप में दर्शाता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। ये आपकी लोकप्रियता मतलब कि लोग, मेरी नहीं, मनशाराम की लोकप्रियता है, उनकी सेवा भावना है जिसको लोग सराह रहे हैं। 1600 वोटों के अंतर से मतलब जीत बहुत बड़ी जीत है छोटे चुनाव में। जैसे मनशाराम जी बीजेपी से टिकट चाहते थे। जी जी, इच्छा थी बीजेपी के जी, लड़े। हाँ। और सुनने में आ रहा कि आप बीजेपी में भी जाने वाले हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये निर्णय तो मनशाराम का होगा, वो आगे सोचेंगे जैसा उनका उचित लगा करेंगे। बीजेपी के द्वारा कई बार सुनने में आया है कि जैसे चुनाव हराने से लेकर के आपके कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ा गया, इस पर भी कुछ कहना? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई शिकायत किसी नहीं है। अब भविष्य में अगर बीजेपी ज्वाइन करना होगा तो निर्णय मनशाराम का होगा। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में गए थे भैया? मुद्दे वही हैं, रोटी कपड़ा मकान, अब आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं, लोग गरीब हैं, सुविधाएं नहीं मिलती हैं, सड़कें नहीं हैं, नाली नहीं है, पेयजल की शुद्ध व्यवस्था नहीं है, गंदा पानी लोग पी रहे हैं। सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मनशाराम का वो था, मुद्दों था। पहले जीतूंगा तो ये काम नहीं, मनशाराम ने हमसे कहा था कि सबसे पहले हम लोग सफाई व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की और स्वास्थ्य की, मैं उनमें उनका मार्गदर्शन करूंगा। और भी कुछ बताना चाहते हैं? पूरे 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 नगर पंचायत की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना प्यार दिया है। विशेषकर कोयलता और पौनी की जनता का विशेष धन्यवाद। मैं महेश कुमार सिंह, नगर पंचायत क्षेत्र का निवासी हूँ। अच्छा, इस बार की जो पहले नवनिर्वाचित नगर पंचायत बुढ़नपुर थी, और यहाँ पे आप लोगों को उम्मीद थी कि जैसे निर्दल प्रत्याशी जिस तरह सिंबल की मार थी, लोग पार्टियों में जा करके अपनी मतलब दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे जनता के बीच में, आप निर्दल प्रत्याशी को लेकर के क्या महसूस कर रहे थे, कितनी कठिनाइयाँ आपको सामने थी? देखिए, तो पहले मैं आपके माध्यम से आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे चुनाव में पूरी सहभागिता और साथ दिया। और रही चुनाव निर्दल लड़ने की, हम लोगों ने भी टिकट के लिए प्रयास किया, टिकट नहीं मिला, लेकिन हम लोग निराश नहीं हुए। हम लोगों की तैयारी अच्छी थी, जनता हम लोगों के साथ थी, और जनता ने ही कहा कि आप निर्दल लड़िए, और निर्दल लड़ने का परिणाम ये हुआ कि हम 1600 वोटों से विजयी हुए।
अच्छा, ये आपको पता था कि इतने मतों से विजय होंगे, इससे ज़्यादा मतों से विजय होंगे? नहीं, चुनाव में तो परिणाम जो आया है वो और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन जनता के बीच में गए थे विकास के मुद्दे पर, सबको साथ लेकर के, दल भी टूट गए, पार्टियां टूट गईं, लेकिन जनता ने हमको सबसे ज्यादा किस जाति से मतलब कि आपने लुभाने की कोशिश किया? सभी दलों सभी जात वर्ग धर्म सब टूट गया इस चुनाव में, सभी लोग एक साथ होकर के मनसाराम को और अनार कूच बिताया है, इसलिए पूरे समाज को, पूरी जनता को मैं अपने माध्यम से चेयरमैन मनसाराम की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना और आभार।